नमस्कार, आज मैं आपको भारत की एक ऐसी वीरांगना कहानी सुनाता हूँ जिसने अंग्रेजों को न केवल परास्त किया किंतु उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह उसके राज पर आक्रमण न कर सके। इस वीरांगना का नाम है वेलु नाचियार। वेलु नाचियार तमिलनाडु के रामनाथपुरम की एकमात्र राजकुमारी थी। उसके पिता का नाम चेला मुतहु विजया रघुराज सेनापति था और उसकी माता का नाम शक्ति मुथुल था। उसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह किया गया था। उसको बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। ही नहीं, उसे फ्रेंच, उर्दू और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। उसका विवाह शिवगंगा के दूसरे राजा मुथुवा डुगनाथ पेडिया उदिया तीराज थेवर से हुआ था। 1772 में शिवगंगा का विवाद अराकोट के नवाब से हो गया। राजा अराकोट के नवाब को आसानी से हरा सकता था किंतु अराकोट का समझौता अंग्रेजों के साथ था, इसलिए जब राजा की फौज जंगल से गुजर रही थी उस समय अंग्रेजों ने घात लगाकर हमला किया और राजा को मार डाला। उस समय रानी की एक बेटी थी, उसका नाम था वेलेच्ची। रानी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर सकती थी लेकिन वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति की औरत थी। इस कारण रानी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और अपने कुछ सैनिकों और विश्वास पात्रों के साथ वह राज छोड़कर चली गई। रानी नवाब और अंग्रेजों के दुश्मन हैदर अली के क्षेत्र में डिगीगुल के एक गांव बिरपाक्षी में जाकर रहने लगी और उसने हैदर अली से विचार विमर्श किया। हैदर अली रानी को सहयोग देने को तैयार हो गया। रानी ने वहाँ पर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। रानी ने हैदर अली के साथ मिलकर आगे की एक रणनीति तय की। उसने अपनी सेना की टुकड़ी का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा। रानी ने अपनी सेना को इस तरह प्रतिष्ठित कर दिया था कि वह आसानी से नवाब को हरा सकती थी, किंतु उसका मुख्य दुश्मन तो अंग्रेज था। रानी ये चाहती थी कि वह कैसे अंग्रेजों को हराए, इस बारे में उसकी पूरा सोच विचार और शक्ति लगी रहती थी। शिवकाशी का राज जीतने के बाद नवाब ने उसका नाम हुसैन नगर रख दिया। रानी ने अपने भाई मारुस पांड्यार और सेनापति नायकर के साथ मिलकर घात लगाकर नवाब की फौज को हराना शुरू कर दिया। लेकिन इससे बदला तो नहीं लिया सकता था, इसलिए रानी ने अपने विचार विमर्श करके नया मार्ग चुना। इस काम के लिए उसने अपने विश्वास पात्र और अंगरक्षक कोयली को चुना। कोयली उसके पिता के एक सिपाही की बेटी थी और वह अपनी मेहनत और लगन से सेना की एक टुकड़ी की कमांडर हो गई थी। कोयली बहुत ही आत्मनिर्भर और दृढ़ इच्छा शक्ति की स्त्री थी, इसलिए कोयली के साथ मिलकर उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। रानी का असली कांटा तो अंग्रेज थे और अंग्रेजों के पास अच्छा तोपखाना और बारूद थे। रानी ने सोचा कि अगर वो अंग्रेजों का तोपखाना और बारूद उड़ा दे तो उसकी जीत निश्चित है। इसके लिए दोनों में आपस में मंत्रणा की और इस मंत्रणा में एक पूरी सेना को शामिल किया। वर्ष 1780 में शिवकाशी में विजयदशमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह राजेश्री अम्मा का मंदिर खोदा जाता था, जिसमें शहर के बाहर के लोग भी उस विजयदशमी के अवसर पर मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते थे। इस मौके को देखकर
रानी ने कोयली और उसके कुछ विश्वास पात्रों के साथ उन्हें भेजा, जो फल फूल और पूजा की सामग्री लेकर अपने हथियारों को छिपाकर उस मंदिर के अंदर पहुंच गए। कोयली के साथ आई कुछ औरतों ने सैनिकों के साथ विवाद किया और इस विवाद के कारण कोयली और उसकी अन्य साथियों को मौका मिला और वो वहाँ से निकलकर बाहर आए। उन्हें पता था कि कहाँ पे गोला बारूद और तोपखाना है। कोयली ने अपनी साथियों से कहा कि उसके ऊपर खूब तेल घी डाला जाए। उसने अपने मुंह को ढक लिया, केवल आँख खुली हुई थी। उसके शरीर पर जब पूरी तरह से तेल घी से भर गया तो उसने कहा कि जब वो तोप खाने के दरवाजे पहुंचे तो उसके शरीर में आग लगा दी जाए। ये बहुत कठिन कार्य था, लेकिन उनके साथियों ने मिलकर उसको आग लगा दी। कोयली उस आग के साथ दौड़ती हुई तोप खाने के अंदर घुस गई और फिर उस तोप खाने के अंदर रखी बारूद में इतना धमाका हुआ कि चारों लोग हाहाकार मच गया। ये शायद विश्व का पहला मानव बम आत्मघाती हमला था। उस अफरा तफरी के माहौल में रानी वेलु नाचियार ने अपने भाई के साथ मिलकर शिव काशी में चारों तरफ ऐसी मारकाट की कि अंग्रेज और नवाब की फौज गाजर मूली की तरह कट गई। इसके बाद रानी ने किले पर विजय पताका फहराई। 10 वर्ष से अधिक राज किया, किंतु जब तक वो जिंदा रही अंग्रेजों की हिम्मत शिवकाशी की ओर देखने की नहीं हुई। पूर्व बनी सहमत के अनुसार उसने अपने भाई मारुत पांड्याल को अपना राज सौंप दिया। रानी वेलु नाचियार के नाम से वर्ष 2008 में सरकार ने डाक टिकट जारी किया। रानी वेलु नाचियार भारत की पहली वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों को हराकर अपना राज पुनः वापस लिया। दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में उसे वीरा मांगाई के नाम से पुकारा जाता है, किंतु भारत के इतिहास में उसका कोई नाम नहीं। ये बात ठीक है कि हमारा अधिकतर इतिहास अंग्रेजों ने लिखा। अंग्रेजों ने अपना इतिहास अपने दर्शकों से लिखा क्योंकि उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम उस वीरांगना को अपने इतिहास में वो जगह दे सकते थे जो उसको देनी चाहिए थी, क्योंकि ये युद्ध 1857 से लगभग 50-60 वर्ष पहले लड़ा। तो जो युद्ध हमने पहले लड़ा और अंग्रेजों को हराया उसका नाम तो इतिहास के, भारत के इतिहास के पन्ने में होना ही चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? मेरा सरकार से अनुरोध है कि रानी वेलु नाचियार का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए और वो बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे देश की वीरांगना को समझ सकें और पहचान सकें, जो भारत की पहचान बनाने में हम सब लोगों की मदद करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको रानी वेलु नाचियार की कहानी पसंद आई। अगली बार मैं एक और वीरांगना की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और मुझे विश्वास है कि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आ गई। धन्यवाद।